हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं सनडायल का ये खूबसूरत नज़ारा और इसके जो सन घड़ी है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जो सबसे मेन है वो अभी अंदर जाके, ये तो एंट्री गेट अभी इसका। अब अंदर आ गए हैं सनडायल की तरफ। अब ये अंदर का नज़ारा देखो, जो ये सामने है ना, ये संडा है ना, ये हम ऊपर जाके बताएंगे इससे 12 पुल्ले से कि ये कितना टाइम हो रहा है इस टाइम, और ये टाइम बताने के लिए है। दोस्तों हम बिल्कुल अब सनडायल के बिल्कुल पास में आ गए हैं। ये सनडायल यहाँ ये टाइम लिखा हुआ घड़ी, ये सनडायल सुई का काम करता है, ये डिजिट लिखा है जो टाइम बताता है। पहले के टाइम में ये सनडायल से ही टाइम का पता लगाया जा सकता था, और ये 2010 में कॉमनवेल्थ गेम बने थे जब इसका उद्घाटन हुआ था। देखो ये कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ, और ये अगर आप आना चाहते हो तो नियर में सरायकाले का बस स्टैंड पड़ता है, और मेट्रो से आएगा तो आश्रम मेट्रो स्टेशन पड़ता है। अब ये सनडायल क्या होता है, अब जैसे इसमें यहाँ लिखा हुआ है सूर्य घड़ी क्या है। सूर्य घड़ी एक ऐसा यंत्र है जो आकाश में सूर्य की स्थिति के द्वारा समय का ज्ञान कराती है। तो ये पहले के टाइम में इसी से पता लगता था। अब हम थोड़ी देर में पुल के ऊपर जाएंगे, वहाँ से देखेंगे कि इस टाइम कितना बज रहे हैं, ये बिल्कुल सही बताता है या फिर कुछ एक्यूरेट होता है, आगे पीछे कुछ होता है। अब थोड़ी देर में हम जाएंगे पुल के ऊपर, फिर वहाँ से देखेंगे ये खूबसूरत नज़ारा कैसा लगता है। पुल के ऊपर आप देख सकते हैं ये पुल रहा, और सामने आपको JNU स्टेडियम भी दिख रहा है। अब देखते हैं अब सनडायल का ऊपर से नज़ारा कैसा दिखता है और टाइम क्या हो रहा है, ये भी हम आपको अभी बताएंगे। हम आ गए हैं, अब देखो अब यहाँ से देख सकते हैं कि सनडायल में क्या टाइम हो रहा है। जो यहाँ ये परछाई दिख रही है वो टाइम बताती है। अब 4 बज गए उसके आसपास का टाइम हो रहा था, और यहाँ से अब खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पे हम फोटो क्लिक कर सकते हैं फैमिली के साथ, और एक बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों अब मैं चलता हूँ, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अपने आइकन बटन को क्लिक करो।